हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्लोप और ग्रेडियंट किसी भी लाइन का क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि यदि ग्राफ दिया हुआ है, तो स्लोप किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ग्राफ दिया हुआ है का मतलब क्या हुआ, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटीज, वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड अनदर इज कॉल्ड इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज, है ना। तो व्हेन एवर वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इनडिपेंडेंट क्वांटिटी, वी ऑलवेज कीप इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड डिपेंडेंट क्वांटिटीज ऑन वर्टिकल एक्सिस, है ना। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ रेशियो ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज वी विल सी टुडे अबाउट दैट। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन, है ना। क्या है स्लोप ऑफ ए लाइन, इसको मैथ में हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, है ना। तो हम आज पढ़ेंगे कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। अब देखो सिंपल, ये क्या है, एक्स एक्सिस है और इसको वाई एक्सिस, है ना। और यही कोई लाइन है, मान लो क्या है, यही कोई लाइन दिया हुआ है, यही कोई क्या है लाइन है, लाइन है। आपसे पूछा जाए कि स्लोप क्या होता है, इस लाइन का स्लोप क्या होता है ना। तो ध्यान देना है, देखो कि ये एक्स एक्सिस है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे और इसको वर्टिकल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो, ये भी लिख लो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको लिखेंगे वर्टिकल एक्सिस। क्या है, हॉरिजेंटल एक्सिस और क्या है वर्टिकल एक्सिस। तो अपोज के क्या है, देखो ये लाइन जो है हॉरिजेंटल एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल फॉर्म किया है ना। अब देखो एंगल जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये वाला जो एंगल, ये एरो दिया हुआ है, ये जो एंगल है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंगल मेड बाई द लाइन विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एरो क्या है कि इस लाइन को आप देखो, लाइन इनिशियल कैसे था, ऐसे है, अब इसको हम इस तरह क्या किए हैं, टर्न करके यहां लाए, समझ में आया ना। तो ये हम मान लें कि थीटा क्या है, थीटा, हम लिख सकते हैं थीटा क्या है, इज द एंगल एंगल मेड बाई द लाइन विथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो थीटा हमने क्या है, थीटा इस लाइन को ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो थीटा इज द नथिंग बट द एंगल मेड बाय दिस लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस
इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्लोप क्या होता है ना, कि ये जितना एंगल क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, ये लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ फॉर्म करता है, उसका जो टैन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं या कि स्लोप और ग्रेडियंट, इसको जनरली हम इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, एंगल आपको कैसे कंसीडर करना है, एंगल कैसे कंसीडर करना है, एंगल कैसे कंसीडर करना है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या है एंगल आपको कंसीडर करना है, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। अब देखो ये क्या है, टैन थीटा है, तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्लोप को जनरली एम से डिनोट करते हैं, तो हम लिखेंगे स्लोप और ग्रेडियंट, और इसको एम हम लिख देंगे स्मॉल एम से, इक्वल टू क्या होगा, टैन थीटा। आपको भी मालूम है कि टैन थीटा क्या होगा, टेंथ क्लास में आप पढ़े हैं कि टैन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। आप याद रखना कि थीटा जब एक्यूट होगा, अपने को जनरली फिजिक्स में एंगल जो पढ़ना रहता है वो क्या है, 0 to 180 degree ही पढ़ना रहता है ना। तो थीटा क्या, टैन थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ, टैन थीटा दो पॉइंट आप लिख लेना कि टैन थीटा क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0 इफ थीटा, थीटा जो होगा वो लाई बिटवीन 90 degree एंड, ठीक है। उसी तरह क्या है, अगला पॉइंट लिख लेना है कि टैन थीटा विल बी लेस देन 0 इफ थीटा, थीटा इज क्या होगा, ग्रेटर देन 90 degree एंड लेस देन इक्वल टू 180 degree। बस ये दो पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है ना। तो हम जानते हैं कि यहां से स्लोप ऑफ ए लाइन है ना, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन है ना, स्लोप ऑफ ए लाइन मे बी क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, है ना। ठीक है, इस किसी भी लाइन का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको ये मालूम है कि थीटा यदि हम जीरो रख लें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो स्लोप क्या होगा, जीरो हो जाएगा। व्हेन एवर क्या होगा, व्हेन एवर लाइन इज, यदि ये लाइन देखो तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाए, तो क्या स्लोप कुछ होगा, नहीं, स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल होता है अलविच क्या होता है, जीरो होता है। द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज 0 degree, क्या होता है, एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज 0 degree। द व्हेन एवर लाइन बिकम्स पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस देन स्लोप विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, अब स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो क्या लिखेंगे यहां, कि यहां मैंने बता दिया है कि स्लोप पॉजिटिव और निगेटिव कब होगा, तो आपको ये माइंड में रखना है। ठीक है, अब देखेंगे कि स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जिसे हम ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे यहां देखो ये क्या है, वाई एक्सिस है, है ना, और ये क्या है, एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है, अब मान लो कि ये लाइन क्या है, ए बी है, ए बी कोई लाइन है ना। अब आपसे कोई पूछे कि ए बी का स्लोप क्या है, क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो ए बी का स्लोप हम क्या बता सकते हैं, स्लोप ए बी का क्या बोल सकते हैं, आप बताओ। सबसे पहले जब भी स्लोप फाइंड आउट करना होगा तो क्या देखना है, आपको थीटा, क्या देखना है, थीटा।
और थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टैन थीटा बोलेंगे। तो आप यहां देखोगे सिंस क्या होगा, सिंस हम बोल सकते हैं सिंस लाइन ए बी इज पैरेलल पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हेंस थीटा इज विल बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां हम बोल सकते हैं कि स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो किसी भी लाइन का स्लोप, जब लाइन क्या हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसका स्लोप ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, स्लोप क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। सेकंड यदि क्या हो जाए, सेकंड एग्जांपल देखो कि ऐसे दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, है ना, यदि लाइन क्या हो जाए, ये वर्टिकल हो जाए, है ना, ये भी, अब एरो दे दो, सबसे अच्छा है एरो से आपको मालूम चल जाएगा, ये एरो नहीं भी देखो तो चलो जो फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो ये भी लाइन है ना। अब आप इसका कोई स्लोप पूछे तो देखो, यहां से जब भी आप एंगल देखोगे तो क्या करोगे, यहां भी आप माइंड में एक्स एक्सिस मान सकते हो, नहीं हो तो आप इसको क्या करो, एक्सटेंड करो, तो देखो एक्स एक्सिस के साथ यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, है ना। एरो क्या है कि एंगल हमने किस तरह कंसीडर किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब यहां हम स्लोप लिख सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री। और इसको मैंने बताया था कि हम नॉट डिफाइन भी लिखते हैं और इन्फिनिटी भी लिखते हैं, लेकिन फिजिक्स में जनरली हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, लाइन क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं कि इफ द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस तो हम लिख सकते हैं इफ क्या लिख सकते हैं कि इफ लाइन इज पैरेलल टू, ये गलत देख दिया है, पैरेलल टू इफ द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन स्लोप इज इक्वल टू, ये लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या होगा, अगला पॉइंट ये देख सकते हैं कि यहां क्या होगा, इफ लिखेंगे इफ थीटा इज क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री। आई मीन 90 डिग्री का मतलब आपको समझ में आया कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस, है ना। तो एंगल कैसे होना चाहिए, ऐसे कहीं भी होना चाहिए, देखो ये वाला, कोई जरूरी नहीं है कि यही लाइन क्या है, आप मान लो ए बी, ये ए बी लाइन है ना। तो अब आपको जब देखना है क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ देखना है कि एंगल क्या होगा, तो यहां भी आप हॉरिजॉन्टल सोच सकते हो, तो ये वाला एंगल हमने मान लिया कि एंगल थीटा है, तो यहां देखो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो यहां क्या होगा, टेन स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होगा, आई मीन जीरो होगा। तो हम लिख देंगे इफ क्या है, इफ
एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन स्लोप ऑफ ए लाइन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे कि यदि अब क्या होगा, थीटा एक बार क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, व्हेन एवर थीटा इज एक्यूट एंगल, आई मीन थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो स्लोप ऑलवेज लाइन का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यदि क्या होगा, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप देखें अगला पॉइंट जो है क्या है कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। तो ऐसे सोच सकते हो, देखो ऐसे भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब हम ऐसे, है ना, ये क्या है वाई, ये वाई डैश, इसको हम बोलते हैं एक्स, एक्स डैश, है ना। तो आप लोगों ने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। तो आई मीन स्लोप, आई डोंट नो कि स्लोप आपने पढ़ा है या नहीं, लेकिन ये क्वाड्रेंट आपने पढ़ा है ना। तो यहाँ लाइन ऐसे दिया हुआ है, आप समझिए कि ऐसे लाइन दिया हुआ है, ऐसे कोई लाइन दिया हुआ है, यही लाइन ये भी है, ये भी है ना। अब आप देखो, आप यहां दो एंगल है, यहां सोचने वाली बात है। देखो यहां क्या है, एंगल मुझे जब भी स्लोप कंसीडर करना होगा, तो यदि मान लो कि ये एंगल क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, ये वाला, है ना। तो ये भी ऑब्वियसली क्या होगा, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, है ना। और ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, है ना। क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है, ये वाला एंगल क्या दिया है, थीटा दिया हुआ है। तो आपसे जब स्लोप पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, स्लोप क्या बताओगे आप, स्लोप यहां स्लोप क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म होगा उसी को हम, उसका जो टैन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोल देते हैं। हम यहां लिख सकते हैं कि स्लोप इक्वल टू क्या लिखेंगे, टैन थीटा। और यहां थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, आप यहां देख सकते हो कि थोड़ा यहां भी आप लाइन ड्रॉ करो, तो थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। यहां हम स्लोप इक्वल टू नट क्या है, यहां नट स्लोप, ठीक है, नट इक्वल टू टैन अल्फा, है ना। स्लोप इक्वल टू क्या होगा, टैन थीटा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्लोप क्या हो सकता है, स्लोप का मतलब क्या हुआ कि टैन ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए लाइन मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव एंड मे बी इंफिनिटी, है ना, आई मीन मे बी नॉट डिफाइन, ठीक है। तो अब हम देखें कि यदि दो पॉइंट दिए हुए हैं तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में जनरली क्या है, आपको जब हम मोशन पढ़ेंगे तो वहां दो पॉइंट्स दिए हुए होंगे, या आप करंट भी पढ़े हैं तो उसे रिलेटेड भी, चार्ज आपको शायद मालूम होगा, तो चार्ज से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यदि चार्ज अपने को निकालना है, जैसे आपसे कोई पूछे कि चार्ज इज लिनियरली चेंजेस विद टाइम, है ना, और कुछ कंडीशन दिया हो और आपसे पूछा जाए कि किसी टाइम पे चार्ज का वैल्यू क्या होगा, किसी टाइम पे करंट का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होता है कि इक्वेशन लिखना रहता है ना। तो उसको हम कैसे लिखेंगे देखेंगे, तो सबसे पहले हम स्लोप पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि नहीं इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, है ना। तो अब क्या है कि यदि दो पॉइंट्स दिए हुए हो, है ना, तो यहां हम लिखेंगे, देखो ये एंगल दिया हुआ है तो डायरेक्ट स्लोप लिख सकते हैं, लेकिन एंगल कभी कभी एंगल नहीं दिया रहता है, आपको पॉइंट्स दिए रहते हैं, आई मीन कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, है ना। तो
स्लोप ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, है ना। जैसे देखो कुछ नहीं है, है ना, आपको केवल समझना है। ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, है ना, ठीक है। अब ये कोई क्या है लाइन है, है ना। अब देखो लाइन कोई जरूरी नहीं है, लाइन कुछ भी हो सकता है। लाइन देखो यही एक लाइन है, है ना। ये मान लो कि ये लाइन है और ये क्या है बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वन वाई वन, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स टू वाई टू, हमने मान लिया, ठीक है। इसी का क्या करना है स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या मैंने बताया था कि देखो यहाँ एक्सिस है तो इसके पैरेलल हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये भी क्या होगा थीटा होगा, इसको आप ज्वाइंट कर दो, है ना, ठीक है। तो आप जब ज्वाइंट करोगे तो यहां से क्या करो इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, है ना। अब देखो ये क्या होगा, ये वाला आपको मालूम है कि ये क्या होगा, दिस डिस्टेंस विल बी एक्स कोऑर्डिनेट, तो दिस विल बी एक्स वन। ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा एक्स टू होगा, है ना। ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा वाई वन, है ना। और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा टोटल वाई टू होगा, ये आप लोग को मालूम है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा वाई टू माइनस वाई वन, यही होगा। अरे ये टोटल क्या है, देखो ये टोटल क्या है वाई टू है, ये क्या है वाई वन है, तो आपको सी मिल जाएगा वाई टू माइनस वाई। उसी तरह ये क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस क्या हो जाएगा एक्स वन हो जाएगा। अब हम आसानी से इस पॉइंट ए मान सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं देखो अब ट्रायंगल ए एम बी क्या हुआ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि अब क्या लिख सकते हैं, देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन क्या होता है एडजेसेंट होता है, क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हम क्या लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू बी एम, है ना, अपॉन क्या लिखेंगे ए एम, और बी एम क्या है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। तो ये टेन थीटा अपने को मालूम चल गया, टेन थीटा इक्वल टू y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, है ना। ये क्या होगा चेंज इन, देखो चेंज चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स, और ये क्या होगा चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, है ना, ये होगा। तो अब यहां लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना, इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है, क्योंकि फिजिक्स में इसका यूज होगा जब हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, या इसका बहुत ज्यादा यूज है, मैं आपको बताता हूं अभी कि ये कितना। तो ये क्या है सिंपल y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट, तो हम लिख सकते हैं इसको वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इज नथिंग बट द स्लोप, है ना। अब फिजिक्स में जनरली अब देखो क्या है, यदि ये लाइन क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा कोइंसाइड हो जाएगा। जैसे देखो आप ये दिया हुआ है, है ना,
आगे हम देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखो, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और यहाँ एक लाइन है ना, ठीक है, लाइन है। इसका ये वाला फोर्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो जीरो, ये कोऑर्डिनेट हमने रख लिया कितना, फोर कॉमा क्या है, थ्री, है ना। तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ यदि हम स्लोप लिखें तो स्लोप इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू, स्लोप इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, देखो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, आई मीन क्या होगा, थ्री माइनस जीरो अपॉन फोर माइनस जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री बाई फोर। और मैंने बताया था कि तो यही आपका क्या हुआ, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, थ्री बाई फोर मालूम चल गया। तो स्लोप कितना आया, थ्री बाई फोर मालूम चल गया, ठीक है। अब आपसे अब फिजिक्स में हम ऐसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि स्लोप, जब ये फिजिक्स में जब भी हम अपने को याद रखना होगा तो स्लोप हम कैसे याद रखेंगे, है ना, कि देखो नोट में, है ना। अब यहां देखो, यहां स्लोप क्या होगा, थोड़ा सा देखते हैं कि मान लो कि यहां देखो, यहां इस एक एग्जांपल मैं लेता हूं, है ना, ये क्या है, आई है ना, यहां हमने क्या रखा, करंट, आप लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ के चैप्टर में पढ़े करंट आई, है ना, और इधर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आप लोग टेंथ क्लास में पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम वी से लिखते हैं, वी इक्वल टू आई आर, आप लोग जानते हैं, है ना। अब देखो यहां क्या है, आई है और यहां क्या वी है, आप ऐसे सोचो, ये दिया हुआ है, ये क्या है, वी वर्सेस आई का क्या है, ग्राफ दिया हुआ है ना, किसी भी मेटल के लिए, आप समझ लीजिए किसी मेटल के लिए दिया है, फॉर मेटल, है ना। तो यहां जब भी आपसे कोई पूछे स्लोप, कोई पूछे, देखो यहां क्या होगा, जीरो जीरो हो गया, है ना, और यहां क्या होगा, यहां हमने मान लिया कि, चलो यहां हमने मान लिया कि इस पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, आई नट कॉमा क्या है, आई मीन वी नट कॉमा क्या है, आई नट, है ना। तो यहां आपसे कोई स्लोप पूछेगा कि ये थीटा हुआ, तो यहां स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो आई नट अप माइनस जीरो इक्वल टू आई नट अपॉन, सॉरी वी नट माइनस जीरो, आई मीन वी नट माइनस जीरो, आई मीन आई नट अपॉन क्या होगा, वी नट। तो आई नट क्या हुआ, करंट, और वी नट क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो यहां टेन थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई नट अपॉन वी नट, ये क्या हुआ, करंट, और ये क्या हुआ, वोल्टेज, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहां आई मीन इफ द करंट वर्सेस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ इज शोन इन द फिगर, देन स्लोप क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में कि स्लोप क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां देखना कि आई क्या है, आई नट क्या है, क्वांटिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस, और वी नट क्या है, क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो स्लोप विल रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑन क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस अपॉन क्या होगा, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड द क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बस एक ही पॉइंट आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि नहीं, यदि ग्राफ, ये ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या याद रखना है कि स्लोप विल बी इक्वल टू, स्लोप विल बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस।
ये कैलकुलेट करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपली ये बता रहा हूं कि आप इसको कैसे माइंड में रखेंगे कि आपको कि देखते देखते यदि ग्राफ दिया हो तो देखते ही देखते मैं ये बता सकता हूं कि नहीं इसका जो स्लोप होगा वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया ना? तो अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि देखो तो हम जानते हैं कि फ्रॉम ओम्स लॉ, तो यहां इस क्वेश्चन में क्या है, यहां यदि आपसे कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, I R होता है। तो देखो तो यहां क्या है, वन अपॉन R इक्वल टू क्या होगा, I अपॉन क्या हो जाएगा, V, है ना, क्या होगा, I अपॉन V हो जाएगा, क्या स्लोप। अब देखो तो यहां स्लोप क्या दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि अब इसको क्या है, E इक्वेशन वन मान लो और इसको क्या मान लो, टू मान लो, है ना। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्या होगा, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू स्लोप इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू वन अपॉन क्या, आर। आर क्या है, रेसिस्टेंस, ये क्या है, रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं R इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन क्या होगा, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन टेन थीटा। तो ये आप टेंथ क्लास में पढ़े होंगे। अब जिसका क्या होगा, यहां यदि क्या होगा, इफ I वर्सेस, देखो यहां क्या दिया, I वर्सेस V, जब वर्सेस के पहले जो होता है उसको हम कहां रखते हैं, वाई एक्सिस पे, और वर्सेस के बाद में जो होता है उसको हम क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस पे रखते हैं, है ना। उसको हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे रखेंगे और y एक्सिस पे रख करके हम क्या करेंगे, ग्राफ को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो यहां आपसे कोई पूछेगा कि इफ, देखो यहां ध्यान से कि हम लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, करंट वर्सेस, इसको हम Vs भी लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ इज क्या होगा, गिवन देन रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप विल गिव रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से रेसिस्टेंस मालूम चल जाएगा, स्लोप जितना ही ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और करंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपको ये समझ में आया कि स्लोप हम तो यहां नोट में लिखेंगे याद रखने के लिए, कि सिंपली क्या लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोट में क्या लिखेंगे, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी ऑन y एक्सिस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, ये आपको माइंड में रखना है, बस यही आपको माइंड में हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि स्लोप जो होगा वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल देखिए, और है ना इसी क्वेश्चन में यहां क्या दिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल है कि अब यहां क्या है, तो यहां अब हमने क्या लिखा, पीडी रखा, पोटेंशियल डिफरेंस,
पोटेंशियल डिफरेंस वी और इधर क्या रखा करंट। यहां जो ग्राफ है क्या है वी वर्सेस क्या दिया हुआ है, आई मीन वी वर्सेस क्या है आई दिया हुआ है, ठीक है ग्राफ वी वर्स। अब मान लो कि ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है ना, तो यहां से आपसे कोई पूछे कि इस जो स्लोप होगा आई मीन ए थीटा, तो देखो तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप, स्लोप इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं टैन थीटा। मैंने क्या बताया चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, तो चेंज क्या है आई मीन डेल्टा वी लिख सकते हैं और यहां क्या लिख सकते हैं डेल्टा आई लिख सकते हैं। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज, डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ चेंज इन वी और डेल्टा आई का मतलब क्या हुआ चेंज इन आई, है ना। अब आपको ये मालूम है कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई क्या होता है ना, डेल्टा वी अपॉन देखो तो अब यहां लिख सकते हैं एक इक्वेशन वन लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम ओम्स लॉ, वी इक्वल टू क्या होगा आई आर, तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होगा आर होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई इक्वल टू आर। तो देखो तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप यहां यदि क्या होगा इफ वी वर्सेस आई ग्राफ इज गिवन, आई मीन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ग्राफ इज गिवन देन स्लोप विल रिप्रेजेंट रेसिस्टेंस, है ना। केवल फिजिक्स में पूछा जाएगा इसका ये ग्राफ दिया हुआ है तो इसका स्लोप क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि स्लोप जो होगा वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि तो हम लिख सकते हैं हेंस स्लोप क्या होगा स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा स्लोप इक्वल टू, है ना, रेसिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं कि इफ, है ना, इफ क्या होगा इफ वी वर्सेस आई ग्राफ इज क्या है ये वी वर्सेस आई ग्राफ इज गिवन देन स्लोप विल गिव, स्लोप विल गिव क्या होगा रेसिस्टेंस। ठीक है, तो स्लोप से क्या मिलेगा अपने को रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे देखो कि यहां क्या है आई वर्सेस वी दिया हुआ है, आई मीन वी वर्सेस क्या दिया हुआ है वी वर्सेस आई, आई करंट है और ये क्या है करंट और ये क्या है वोल्टेज, ऐसे सिंपल लिख देता हूं वोल्टेज, है ना। ये दो मेटल की कोरेस्पोंडेंस दिया हुआ है, दो टू मेटल थ्री मेटल के कर, मान लो कि ये क्या है मेटल ए है, ये क्या है मेटल बी है और ये क्या है मेटल क्या है सी है। आप ये टेंथ क्लास में पढ़े, है ना। अब देखो आपको मालूम है कि यहां स्लोप विल रिप्रेजेंट, सबसे पहला क्या लिखेंगे यहां देखो स्लोप इक्वल टू क्या होगा स्लोप इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन क्या लिखेंगे, इधर मैं लिख देता हूं, है ना, स्लोप इक्वल टू क्या लिखेंगे स्लोप इक्वल टू यहां लिख सकते हैं स्लोप इक्वल टू, अब ये मान लो कि ये एंगल क्या है थीटा वन है, ये एंगल क्या है थीटा टू है और ये वाला एंगल क्या है थीटा थ्री है, ठीक है। तो स्लोप विल क्या है यहां क्या होगा हियर, हम लिख सकते हैं हियर स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा वी अपॉन क्या होगा डेल्टा आई और ए इक्वल टू क्या होगा आर, तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप स्लोप विल
गिव क्या होगा? रेसिस्टेंस। स्लोप से अपने को क्या मिलेगा? रेसिस्टेंस मिलेगा। अब देखो स्लोप जिसका ज्यादा होगा तो हम पहले थीटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो तो ये लिख सकते हैं थीटा क्या होगा, थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, है ना। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थीटा। अब टैन ले लो तो हम देख सकते हैं टैन थीटा 3 इज ग्रेटर देन क्या होगा, टैन थीटा 2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, टैन थीटा 1। तो इधर हम लिख सकते हैं क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो ये स्लोप होता है, टैन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, तो हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्लोप, ठीक है। तो स्लोप जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम लिख सकते हैं कि आर थ्री इज ग्रेटर देन क्या होगा, आर टू इज ग्रेटर देन क्या होगा, आर वन। तो हम लिख सकते हैं ये भी क्या होगा, डिक्रीजिंग है ना ऑर्डर ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे स्लोप का यूज कहाँ है, फिजिक्स में, है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, स्लोप का यूज कहाँ करते हैं, फिजिक्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है, है ना। तो इसके आगे क्लास में हम स्लोप से रिलेटेड और सम देखेंगे और फिर इस स्लोप को यूज करके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।